बारीगढ़ में सरकारी योजना दिखावा हो रही। बारीगढ़ नगर पंचायत के वार्ड नंबर 15 में लगभग 33 लाख रुपए की लागत से बनी पानी की टंकी 100 पीस बन के रह गई है। आज तक ये टंकी से ना तो पानी की सप्लाई भई, इतने तक की टेस्टिंग और हैंडओवर भी नहीं हो पा। 8 साल हो गए टंकी जर्जर स्थिति में होने लगी, लेकिन इको लाभ इतने की जनता के नहीं मिलो। हमारे खबरी अभिषेक चौरसिया ने इतने की जी ग्राउंड रिपोर्ट करी है, देख सुन लो, समझ लो पूरा मामला। तो तब बना ले ऐसे ही, अब ऐसे ही बना ले जो निकाल दे लीड। डेली चुगली के लाने अभिषेक चौरसिया और हम खड़े हैं वार्ड नंबर 15 में। वार्ड नंबर 15 में जहाँ पर आज से लगभग 10 साल पहले पानी की टंकी बनी थी, जौन टंकी को ना तो आज तक निरीक्षण भाव है, ना उनकी टेस्टिंग भई है और ना चालू भई है। लगभग 33 लाख रुपये की लागत से ये टंकी को निर्माण भाव तो, और जब से जो टंकी ऐसी की तैसी धरी है, और इसे जो समझ में आ रहा हो कि नगर पंचायत बारीगढ़ में मचो का है। नगर पंचायत बारीगढ़ में लगभग 33 लाख की लागत से जो टंकी बनी, और चलो हम दिखा रहे टंकी में। आ भैया हमारे संग रूपेंद्र यादव हैं, और भैया आपका बता है कि जो टंकी शासन ने बाढ़ वासियन के लाने, नगर वासियन के लाने, पेयजल की व्यवस्था सुदृढ़ होए ई के लाने टंकी बनवाई थी, और ये टंकी में धीरे धीरे अब जो टंकी जर्जर होने लगी है, और ना तो इनकी बताते थे कि बाढ़ के स्थानीय लोग कि ना तो ये टंकी में अबे तक एक बार टेस्टिंग भई है, और ना ही टंकी के चालू करने के लाने कौनू नगर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था करी गई है, और सब अपनों अपनों पल्ला झाड़ दे, कहते ठेकेदार भग गओ, जौन पैसा हो तो वो खर्च हो गओ, लेकिन हमारो जो पूछो हुआ कि मचो का है। आखिर जनता को पैसा जनता के लाने इस्तेमाल नहीं हो रहा हो तो फिर का फ़ायदा है, जो टंकी पूरी जर्जर स्थिति में है, और कछु लोगन के हिसाब से, और टंकी में ना तो कहूँ ठेकेदार को नाम है, ना कहूँ बनाने वाली कंपनी को नाम है, ना कितने की लागत से बनी है, और कीने पास कराई है जो कहूँ नहीं लिखुआ पूरी टंकी में। सामने वो दिखा दो भैया, वो एक चैम्बर भी बनो है टंकी को, ओवरफ्लो को, उमें भी कहूँ पर लिखो नहीं है जो सामने बनो है, और जो एक रूम बनो है वाटर रूम सामने, और जो भैया रूपन जो दिखाओ तो जो पाइप लाइन इतने से गई है जो है नीचे जो दिखाओ, जो पाइप लाइन डली है, लेकिन आज तक की टेस्टिंग नहीं भैया। और वार्ड नंबर 15 के संगे संगे पूरे नगर के लोगन का एक उम्मीद थी कि हमारे गांव में पानी की टंकी बने तो हमारे लाने जो पीने के पानी की समस्या है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाए, लेकिन वो समस्या ज्यों की त्यों है। 33 लाख रुपया आए और कैसे आके चले गए आज तक कोई को पता नहीं लगा पाओ, और अब आ गए हैं चुनाव, और ई वार्ड में बेई हैं प्रत्याशी पार्षद पद के पाना राम मिलन अनुरागी, जौन पहले 10 साल नगर पंचायत बारीगढ़ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्हीं के कार्यकाल में जो टंकी बनी थी, अब वे दोबारा से वार्ड नंबर 15 से चुनाव लड़न की पूरी उनकी तैयारी है, उनने अपनो फार्म भर दो है, और वे दोबारा चाह रहे हैं कि हमें बाढ़ की जनता जिताए। तो अब उनसे यही सवाल रहे जनता को कि आपने करो का है, तो टंकी के नीचे हम खड़े थे और टंकी की जर्जर स्थिति आप देख रहे हो। भैया हमारे रूपेंद्र दिखा रहे। लॉ फील्ड में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए खुशखबरी, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर आपको देते हैं BA LLB।
LLB, LLM, Bar Council of India से मान्यता प्राप्त, UGC and MP State Government से मान्यता प्राप्त, बुंदेलखंड की सबसे हाईटेक यूनिवर्सिटी, क्योंकि हम देते हैं वेल एजुकेटेड टीचिंग फैकल्टी, मूट कोर्ट, समय समय पर देश के प्रख्यात न्यायाधीशों द्वारा मार्गदर्शन, कोर्ट विजिट, इंटर्नशिप, एनरिच्ड लाइब्रेरी, तो आज ही प्रवेश लें और बने एक सक्सेसफुल लॉयर। संपर्क करें नेशनल हाईवे 86, सागर रोड, छतरपुर, मध्य प्रदेश।